नगर के महाड़ शहर में बाढ़ के कारण घेराबंदी हो गई है। महाड़ शहर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मान गांव में दाखिल हो चुकी है। लोगों को बोट के सहारे, हेलीकॉप्टर के सहारे बचाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर वहां पर मान गांव में अभी दाखिल हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम दाखिल हो चुकी है। सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने का, लोगों को शिफ्ट कराने का काम अभी वहां से शुरू कर दिया गया है। भारी बारिश अभी भी जारी है। रायगढ़ में लोगों को बोट के सहारे शिफ्ट किया जाएगा। महाड़ में मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुकी है, हम आपको लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मानगांव में दाखिल हो चुकी है। महाड़ शहर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। रायगढ़ के महाड़ शहर में बाढ़ के कारण घेराबंदी कर दी गई है। हर रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। पानी भरा हुआ है और फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण जल जमाव कम नहीं हो रहा है और बोट के सहारे, हेलीकॉप्टर के सहारे वहां पर बचाव कार्य जारी है। लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हालांकि ये एनडीआरएफ की टीम चिपलुन की तरफ बढ़ रही थी। चिपलुन में भी काफी तबाही मची हुई है, लेकिन रास्ते में रायगढ़ की ऐसी हालात का खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रायगढ़ के महाड़ शहर में मानगांव में दाखिल हो चुकी है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के कोने कोने में बारिश ने तबाही मचा के रखी हुई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बचाव कार्य वहां पर जारी है। बहाव देखिए, पानी का बहाव देख सकते हैं आप, किस तरीके से वहां पर कितना तेज बहाव है पानी का। काफी लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। लोग, एनडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंची हुई है। महाड़ के मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंची हुई है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम मान गांव में दाखिल है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लोनावला में कहीं पे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें। रायगढ़ के महाड़ शहर और मानगांव की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बारिश के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए मेट्रो मुंबई के साथ।